हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नए दिन की शुरुआत के साथ मैंने आज का व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, मैं अभी चौधार गया हूँ। चौधार है मनोज और मैं, ये गाजू काट रहे हैं इधर ही। आज का व्लॉग मैंने चौधार से स्टार्ट किया है। तो बात करता हूँ मैं मौसम के, मौसम ज़बरदस्त मौसम हो रखा है, कहीं भी बादल नहीं है। इधर तो अभी भी धूप नहीं आई है, पार साइड को हमारे गांव साइड को धूप आई है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो सामने साइड इधर तिल्लागर इस साइड को पूरी धूप आ रखी है, ये इस साइड को, और यहाँ देखो बिल्कुल भी धूप नहीं। यहाँ हल्के हल्के भी आ रहे हैं, यहाँ ये सामने पहाड़ी लगी है ये, इसकी वजह से नहीं आ रहे हैं। ये मनोज बैठा है इधर, और ये मशीन, ये तेल लेके आए, और ये रोटी वोटी लेके आ रखे हैं घर से। ओ उस कोने से स्टार्ट किया हाथ काटना, उधर से वो सामने से वहाँ से यहाँ तक। अभी ये हिस्सा आज पूरा कर देंगे फाइनल, ये वाला हिस्सा पूरा फाइनल कर देंगे। तो फिर बाकी इस साइड को है ये, फिर अभी वो सामने दिखाई दे रहा है ये धार टाइप में, इस धार के पल्ली साइड भी है, उस साइड भी काटना है। तो दोस्तों अभी काटना स्टार्ट करते हैं। अभी मनोज सुबह आ गया था जल्दी, मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। तो अब मैं काटता हूँ, मनोज आराम कर रहा है, तो अभी थोड़ा काटता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ। फिर आप लोगों को मैं बताऊँगा घास काटने वाली मशीन रखने के फ़ायदे और नुकसान, ये चीज़ भी बताऊँगा आज आप लोगों को कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है मशीन रखने के। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, मैं लेके आया था घर से रोटी, रोटी और सब्जी लेके आया था, ये रोटी सब्जी और घी, इसमें घी डाला है। तो अभी नाश्ता करते हैं, और तो मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ बताता हूँ, घास काटने वाली मशीन लाने से क्या फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि समय की बचत है, टाइम बच जाता है अपना। और दूसरा फ़ायदा जो है औरतों के लिए है, उनका जो दराती से काटना पड़ता है वो टाइम उनका वो बच जाता है, उनके लिए आराम हो जाता है घास काटने के लिए। और नुकसान तो हमारे लिए है, हमें ही काटना पड़ता है सारा। और मशीन में देखा जाए तो पेट्रोल से चलता है, और एक उसमें पड़ता है ऑयल पड़ता है इंजन के लिए, उसमें इंजन ऑयल पड़ता है। और नुकसान देखो क्या क्या है, देखो एक तो पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है हमें, दूसरा इंजन ऑयल ख़रीदना पड़ता है, ब्लेड घिसता है, पत्थर लगते हैं, टूट जाता है, तो ब्लेड भी ख़रीदना ही पड़ता है। और कभी कोई नुकसान हो जाए मशीन में, जैसे इंजन का कोई पार्ट्स ख़राब हो गया तो वो ख़रीदना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा तो नुकसान ही नुकसान, ज़्यादातर नुकसान ही है, जिसके पास पैसा है उसके लिए तो ठीक ही है। अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, मनोज भी खा रहा बगल में, और मैं भी, ये है रोटियाँ और सब्जी है आलू बड़ी की। और अभी नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। अभी मम्मी लोग भी आएंगे शायद इधर, ना खाने भी तो खाना तो कर दूँ, खाना खाने तो हम लोग घर ही जाएंगे। मम्मी लोग पता नहीं, अभी बोल तो रही थी मम्मी घर से कि अभी बाद में आएंगे करके, अब दिन का खाना खा के आते हैं या कब आते हैं पता नहीं। आज तो हमें वैसे भी शाम को टाइम नहीं है, शाम को तो हम नहीं आएंगे इधर। वो अभी देखो रोटियां भी रखी हैं, मनोज भी खा रहा है। तो यार दोस्तों नाश्ता वास्ता हो गया है, पचका दिए हैं रोटियाँ, दबा के 6-7 रोटियाँ खा दी हैं, और आलू बड़ी की सब्जी थी और घी भी डाला था उसमें, और एक बोतल से 2 लीटर का ये पानी ख़त्म कर दिया हमने।
तो अब काटते हैं घास वास फटाफट, यहाँ फिनिश करते हैं सेट को, उसके बाद चलते हैं घर को। अभी तो काफ़ी टाइम है वैसे, 10 ही बज रहा है, तो कितना 10:30, 10:30 टाइम हो गया है, 11:30 बजे जाएंगे हम घर, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ये मम्मी भी आ गई है, मम्मी लाई है चाय, मम्मी और मनोज पी रहे हैं चाय, अभी नाश्ता किया, अब चाय पीने लगे हैं। और देखो सामने का व्यू कितना तगड़ा दिख रहा है, नीचे उखैया नदी सोकड़ा, ऊपर भी मशीनें चल रही हैं, ऊपर वो जंगल में उस साइड को, ये यहाँ भी मशीनें चल रही हैं, घास काटने वाली मशीनें। और देखो तिल्ला घर में तो अभी कहाँ, अभी तो खेती खाली नहीं हो रखे तिल्ला घर। तो यार दोस्तों अब हम जाने लग गए हैं घर को, अभी 11:30-12 बज चुका है, अभी हमने बहुत कर दिया है, उस साइड से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमने कोने से और सामने वाले कोने से लेके यहाँ ऊपर यहाँ नीचे इतना लगभग ये पूरा फाइनल कर दिया है, इतना ये पूरा इतना फाइनल कर दिया। अब थोड़ा सा रह गया जो नीचे वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये खेतों के इधर को इतना ही रह गया है, और फिर उसके बाद पल्ली साइड है, मनोज भी चले गया है सामने, मम्मी ऊपर घास काट रही है। ये देख बटन। हाँ बटन। तो यार दोस्तों घर पहुंच गए हैं, साक्षी भी आंगनबाड़ी से आ गई थी, नीचे रोड पे मिली, मनोज घास लेके आया, मैं साक्षी को लेके आया। ये रे साक्षी और रेखा भी लगी है काम करने में, और इधर चाचा भट छूट रहे हैं, और मुंबई अम्मा भी लगी है भर छूटने में, और बुबू बैठे हैं, बुबू देख रहे हैं, और ये पवन की मम्मी, हाँ मुंबई अम्मा लगी है भर छूटने में, और बुबू देख रहे हैं कि सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे करके ना बुबू। हाँ बुबू देख रहे हैं, हाँ ये सब दमका दिया अम्मा ने। हाँ वैसे ताऊ जी तौलिया वाला लपेट के खाना बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, और साक्षी ने बैग भी नहीं उतारा अपना, और खेल में लग गई। सबको चलो बैग उतारो, चलो शाबाश। तो यार दोस्तों नहा दो लिया है मैंने, अब हम खा रहे हैं खाना, मनोज बैठा है बगल में, वो सामने ताऊ जी हैं, ताऊ जी के खा रहे हैं, पीली दाल बना रखी है और चावल है, नींबू है। तो साक्षी तो सो गई है, अभी रेखा सुला रही है, और मम्मी चौंध आ रही है, तो अभी खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं, फिर जाना है अभी खेत में, फिर मिलता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों अभी शाम को हमारी तैयारी होने लगी है खेत में जाने की, खेत में आज एक आर बांधने के लिए जा रहे हैं, अभी ट्रैक्टर भी हो गया है रेडी, ये ट्रैक्टर रेडी हो गया है, और मनोज भी रेडी हो गया है, और सक्कू सो गई थी, सक्कू ने खाना भी नहीं खाया था, और देखो सक्कू भी उठ गई, देखो सामने अभी उठ के बाहर आ रही है सक्कू। ना का हुआ, चल हो गया, ये देखो ट्रैक्टर रेडी हो गया है, ये देखो। तो अभी खेत में पहुंच गए हैं, नीचे सामने रहा वो इस बिल्डिंग के पीछे हमारा घर है, यहाँ से यहाँ लाने में बहुत आफत आ गई है, मनोज कर रहा है टायर चेंज, तो और फिर ये खेत करेंगे आज, फिर बाकी ऊपर को जो है वो दूसरे दिन करेंगे इसको। ये मनोज ने स्टार्ट कर दिया है ट्रैक्टर, ये डाला मनोज ने पहला गियर, ये चली गड्डी, ये देखो इस तरीके से ट्रैक्टर का मस्त यूज हो रहा है, देखो मनोज बारा है ट्रैक्टर से, आज एक आर बारे हैं, उसके बाद फिर दूसरी बारी में बोएंगे, एक बार ये पूरा कर देंगे, उसके बाद फिर दूसरी बारी में फिर जोतेंगे ट्रैक्टर, फिर उस टाइम पर बोएंगे इसमें गेहूं, और मौसम देखो
शाम का मौसम, हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं कहीं पर। सामने सीकर, हमारा सिपालय दिख रहा है सामने इस साइड को। ये देखो मौसम, देखो इस साइड को हल्के हल्के बादल हैं और पूरा आसमान साफ है। ये देखो, अरे देखो ट्रैक्टर को जैसे मर्जी चाहो घुमा लो। बैल होते तो कहाँ, बहुत ज़्यादा तो खोदना ही रहता, कितना तो खोदना ही होता, पूरा ऊपर साइड को कोने में उधर पूरा खोदना ही रहता। ट्रैक्टर में ये फ़ायदा सही है कि जैसे चाहो घुमा लो जहाँ चाहे, और खोदना भी कम ही रहता है। नहीं तो फिर ज़्यादातर ये कोने में, जैसे इससे में और वो कोने में, नीचे कोने में पूरा खोदना ही रहता। बैलों में इतना ही है कि लाने ले जाने में सही है, ट्रैक्टर थोड़ा दिक्कत करता है। लेकिन खेत में आने पर देखो सड़ा सर 10 मिनट में पूरा खेत हो जाएगा ये अभी। तो देखो इतना हो गया ये दोस्तों, अभी हमने ये खेत कर दिया है पूरा, 10 मिनट में हो गया है ये फाइनल। आप ट्रैक्टर को रख देंगे यहाँ पर और ढक देंगे वो तिरपाल से, उसके बाद हम चल देंगे घर। और आज बार भी सही था तो इसलिए हमने आज स्टार्टिंग कर दी है एक आर बाना। खेत में जोतने के लिए भी, हल जोतने या एक ट्रैक्टर जोतने के लिए सही बार होना चाहिए, सही दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी किसी भी दिन खेत में जाओ और खोद दो, ऐसा नहीं होता है। पहाड़ों में ढक दिया हमने तिरपाल से और टायर ले जाएंगे हम ये वाले घर। आज मनोज ने जोता है ट्रैक्टर, तो क्योंकि कल भी बाना पड़ेगा। एक ही दिन जोतने से एक आड़ लगता है ऐसा बोलते हैं, तो कल मेरे को जाना है गाजर काटने, तो उसके वजह से मैंने नहीं बाया अभी। कल मनोज यहाँ आएगा खेत में, तो मैं जाऊँगा गाजर काटने। तो अभी मैं जा रहा हूँ वॉलीबॉल खेलने, मनोज भी आएगा, मैं भी जाऊँगा वॉलीबॉल खेलने। तो मिलते हैं आप लोगों को वॉलीबॉल ग्राउंड पे। तो दोस्तों पहुँच गए हैं वॉलीबॉल ग्राउंड पे, अभी दो चार लोग आ रखे हैं, अभी थोड़ा बॉडी गर्म करते हैं, उसके बाद फिर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ का गेम भी। अगर आ गए तो, वैसे भी दो चार प्लेयर आज हैं नहीं, वो गए हैं दो तीन बंदे अल्मोड़ा गए हैं, उनका आज रिटर्न है आर्मी का। तो देखते हैं कौन कौन आते हैं, कितने आते हैं, फिर गेम भी दिखाऊँगा मैं आप लोगों को। तो यार दोस्तों मैं पहुंच गया हूं घर और देखो साक्षी भी आ गई मेरी गोदी में। तो अभी ताऊजी बना रहे हैं सब्जी और रेखा काम कर रहे हैं, रेखा मम्मी काम कर रहे हैं। मुंह नहीं खोलते बाबू, ऐसे मुंह नहीं खोलते। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें मेरे चैनल पर। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। किससे कर दे सही से।